वेलकम टू माई न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पर्यूषण में भी जो आप खा सकते हैं वैसी दाल ढोकली। उसके लिए आधा बोल गेहूं का आटा लेंगे, थोड़ी सी इसमें हींग और हल्दी डाल देंगे, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून, 2 टीस्पून हम इसमें घी डालेंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे हमारी ढोकली काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी, खाने में भी टेस्टी बनेगी। पहले मिक्स कर देंगे, फिर थोड़ा सा पानी लेके आटा लगा देंगे, 1/4 बोल जितना पानी इसमें लगा है। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि आटा थोड़ा सा है। इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना के उन्हें बीच में से प्रेस करके हम ढोकली बनाएंगे। अब चाहें तो इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के उसके कट करके पीसेस भी बना सकते हैं। राजस्थानी ढोकली है ये, इसलिए ऐसी बन रही है। अब प्रेशर कुकर में हम 2 बोल पानी ले लेंगे पहले। उसमें मैंने ये 1/4 बोल चना दाल भिगो के रखी है, वो डाल देंगे। आधा बोल मैंने मूंग की दाल को भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, तो वो भी डाल देंगे। तो ये देखिए मेजरमेंट एकदम बराबर हुआ था। अब इसी तरह से ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। अब ये ढोकली इसमें डाल देंगे। एक बिल्कुल भी चिपक नहीं रही, ऐसा आटा होना चाहिए, कड़क आटा। एक बोल पानी हम इसमें और डाल देंगे गरम करके। टोटल 3 बोल पानी मैंने डाला है। 1 टीस्पून घी डाल देंगे और इसे 3 सीटी बजाएंगे लो फ्लेम पर। इसके लिए तड़का रेडी कर देते हैं। तब तक घी लेंगे 1 बड़ा चम्मच, हींग, जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, तेज़पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ मैंने कोकम भिगो के रखी है, 1 बोल पानी इसमें डाल देंगे। या फिर आप चाहें तो अमचूर का पाउडर या इमली खाते हैं अगर पर्यूषण में, तो आप वो भी डाल सकते हैं। खटाई के लिए जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। 3 सीटी लो फ्लेम पर मैंने बजाई है, आप देख सकते हैं लिड बिल्कुल भी क्लीन है, एकदम इसमें पानी बाहर आया नहीं है और कितनी अच्छी ये बॉईल हो गई है। अगर बॉईल नहीं हुई है तो आप 1 सीटी और बजा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे बॉईल भी किया है। अब इसमें सारा डाल देंगे, अच्छे से इसे हिला देते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऊपर से और डाला था, थोड़ा सा कम था। बाकी इसमें मसाले सारे बराबर हैं। अगर बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो ये बराबर है। अब चाहें तो स्पाइसी करना चाहें तो ऊपर से थोड़ी लाल मिर्च और डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए इस तरह से हम पका देंगे और ये देखिए नीचे ले लेंगे। सर्व करते टाइम ऊपर से हम घी डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, पर्यूषण में तिथि में आपको बहुत काम लगेगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से बनाने की।